हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का 6th पार्ट देखने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज बाई यू फॉर द आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। चलिए, पहले तो मुझे देखना है कि ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है। अगर सिमिलर है तो कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया है वो बताना होगा, एंड आफ्टरवर्ड्स मुझे वो पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे अलग अलग डायग्राम गिवन है मुझे। सबसे पहले डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मुझे दिया गया है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। एंगल A है 60, एंगल B है 80, एंगल C है 40। सिमिलरली P है 60, Q है 80 और R है 40। अगर कंपेयर करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा एंगल P, क्योंकि दोनों 60 हो गए। सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया एंगल क्यू, 80 हो गए। तो यहाँ पे अब तीसरा एंगल कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सिमिलरिटी में आपको बताया है कि सिर्फ दो एंगल भी अगर इक्वल हो जाते हैं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि गिवन ट्राइंगल इज अ सिमिलर ट्राइंगल। सो देयरफॉर आप किसे भी कंपेयर करना चाहे कर सकते हैं, और वैसे मैं क्यू और आर को भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एंगल 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 सिमिलरिटी। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल क्या है यहाँ पे इक्वल है। क्यों? मैंने बताया A 50 60 है, P 60 है, B 80 है, C 60 है, Q 80 है और C 40 है, और यहाँ पे क्या 40 है, R 40 है। तो इसके लिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? एंगल एंगल एंगल, या तो फिर आप सिर्फ एंगल एंगल क्राइटेरिया भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट केस में जो आएगा सिमिलरिटी क्या लिखेंगे, A इज ABC सिमिलर टू PQR। मैंने करस्पॉन्डेंस बताया था, A 60 है तो यहाँ P के साथ 60 लिखना पड़ेगा, B 80 है तो Q आएगा और C के साथ क्या आना चाहिए, R। तो ये होगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म और ये हमने जो क्राइटेरिया यूज़ किया उसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस सिमिलरिटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। हमने चार क्राइटेरिया देखे हैं, बेसिकली तीन हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया, फिर SAS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया। तो ये तीन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको उसको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद वाला केस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। चलिए अब बात करते हैं इसे मैं कैसे कंपेयर करूं कि इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना होगा कौन सा रेशियो मैं किसके साथ ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे 2 है, 3 है और 2.5 है, तो यहाँ पे 4 है, 6 है और 5 है, दो डेटा मतलब साइड का रेशियो गिवन है, तो मैं किससे किससे कंपेयर करूँगा। तो देखिए कौन किसका डबल है वो अगर पता चल जाएगा तो आप इसे कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ AB को कंपेयर कर देता हूँ QR के साथ। तो देखिए AB ओवर QR क्या मिलेगा, BC ओवर PR और AC ओवर PQ, इन सब की वैल्यू आपको 1/2 मिलेगी। आप देख सकते हैं कि अगर मैं AB डिवाइडेड बाय QR करूंगा तो वो क्या मिलेगा, 2/4। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए सिमिलरली 2.5 डिवाइडेड बाय 5 भी क्या होगा, 1/2, और 3/6 भी क्या हो जाएगा, 1/2। तो मैं AB और QR को कंपेयर कर सकता हूँ, सिमिलरली BC और PR को कंपेयर कर सकता हूँ और AC और PQ को कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बता सकता हूँ कि AB ओवर QR, BC ओवर PR, सिर्फ आपको क्राइटेरिया लिखना है, कैलकुलेशन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है वो मुझे यहाँ पे लिखना है। तो इतना ही सोल्यूशन आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो क्राइटेरिया कौन सा हो गया, साइड करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गई, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा, इट इज SSS सिमिलरिटी। और अब सिमिलरिटी किसके साथ होगी वो देखिए, तो ए अगर मैं राइट हैंड साइड लिखता हूँ ABC ट्राइंगल, तो सिमिलरिटी लिखने के लिए मुझे देखना होगा, चलो यहाँ पे A और A कॉमन है तो कॉमन एंगल क्या है, देखिए Q है। सो यहाँ ABC सिमिलर आएगा सबसे पहले Q के साथ, फिर B के साथ क्या आना चाहिए, R, और C के साथ क्या आ जाना चाहिए, P। सो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या आएगी कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP, नॉट PQR। PQR के साथ सिमिलरिटी नहीं आएगी, बट किसके साथ आएगी, QRP के साथ सिमिलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दो ट्राइंगल के सिमिलरिटी चेक कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया आप यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम, तो आपको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा।
नेक्स्ट डायग्राम में देखिए LMP एंड DEF गिवन है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कौन किसका डबल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे। पर दिक्कत क्या है, देखिए 2 का डबल 4 तो आ जाएगा, 3 का डबल 6 भी आ जाएगा, बट 2.7 का डबल 5 नहीं होगा। 2.7 का डबल होता है 5.4, जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो एंगल तो गिवन नहीं है और साइड का रेशियो इक्वल नहीं हुआ, सो देयरफॉर नॉट सिमिलर। ये क्या होगा, नॉट सिमिलर। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इट इज नॉट सिमिलर। पता चला क्यों, क्योंकि साइड प्रोपोर्शन में नहीं मिली है। वैसे ही नेक्स्ट देखिए, डबल है कि नहीं है या रेशियो में है कि नहीं, वो आपको चेक करना जरूरी है ज्यादा। चलिए देखिए, यहाँ पे M70 है और Q70 है। PM का टू डबल होता है 2.5, 5 का रेशियो 10 हो जाएगा, पर 2.5 का डबल 6 नहीं होगा, सो देयरफॉर ये भी नॉट सिमिलर। ये भी सिमिलर नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने बताया अगेन रेशियो नहीं मिल रहा इसके लिए। चलिए उसके बाद देखो डायग्राम, दो डायग्राम में देखिए। अब इसे आप ट्राई करते हैं तो देखिए क्या होगा। एटी ए है तो एफ एटी है, 2.5 का डबल क्या होगा 5 और 3 का डबल क्या होगा 6। मतलब क्राइटेरिया कौन सा होगा यहाँ पे, साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया, SS क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं आप। और करस्पोंडेंस क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी, तो ए के साथ सिमिलर क्या आएगा देखिए ट्राइंगल में, तो ए के साथ एफ आ जाएगा क्योंकि उसके साथ एंगल है। चलो ए बी के साथ प्रोपोर्शनल क्या है, एफ डी है, तो मतलब बी के साथ डी आएगा और सी के साथ चला जाएगा ई, क्योंकि एफ ई और बी सी इक्वल है, एफ ई और बी सी की वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डी किसके साथ आना चाहिए, देखिए देखिए एफ ई, अगर पता नहीं है तो आप रेशियो ले लीजिए। देखिए कि ए बी का रेशियो आपने किसके साथ लिया है, तो एफ डी के साथ, क्योंकि ए के साथ एफ आना ही चाहिए। और बी सी का रेशियो आपने किसके साथ लिया है, एफ ई के साथ, तो कॉमन क्या होगा, बी होगा। तो ऐसा क्या चीज होगी जो कॉमन होगी, ए के साथ तो एफ आ गया। चलिए देखिए ए के साथ एफ आ गया आपके लिए, तो ये क्या सिमिलर बनेगा कि नहीं बनेगा, वो आपको चेक करना है। देखिए तो ये सिमिलर नहीं बनेगा, क्यों ऐसा हुआ वो देखिए, क्योंकि ए के साथ अगर एफ आ जाता है तो अब देखिए ये 80 एंगल क्या बन रहा है। देखिए सिमिलरिटी तो हमें लगता है कि सर रेशियो तो मिल गया तो सब आंसर आ जाएगा, पर आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको डायग्राम में पता चलेगा कि जो 3 वैल्यू है वो कहाँ है, जो रेशियो तो इक्वल हो गया बट 380 के ऑपोजिट में है, पर यहाँ 680 के ऑपोजिट में नहीं आया है, 6 तो उसके एडजेसेंट में है, तो मतलब ये भी सिमिलर नहीं होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, ई 80 है तो क्यू 80 हो गया, डी 70 है और ये 30 है, तो क्या ये इक्वल होगा, तो यस, क्योंकि अगर ये 80 और 70 150 और ये वापस क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा अगेन, तो यू कैन से हियर के एंगल एफ की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री, कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि एंगल ई इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल क्यू हो जाएगा, सिमिलरली एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा और एंगल डी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल पी। सो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर किससे होगा, देखिए पी क्यू आर की सिमिलरिटी अगर मैं दिखा रहा हूँ तो पी के साथ आएगा डी, क्यू के साथ आएगा ई और आर के साथ आ जाएगा एफ, तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू क्या हो जाएगा डी एफ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डायग्राम सिमिलर है या नहीं है, आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुझे कि इन फिगर 6.33 ओडीसी इज सिमिलर टू ओबीए एंड एंगल बीओसी इज 125 एंड एंगल सीडीओ इज 70, देन फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। चलिए डायग्राम देखिए कैसे गिवन है। चलिए अब देखिए क्या गया है यहाँ पे, सबसे पहले के ओडीसी मतलब कौन सा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ODC is similar to OBA, तो मतलब लिख सकता हूँ कि D और B एंगल इक्वल होगा, तो अगर D 70 है तो B भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
तो डायरेक्टली लिख सकते हैं पहले कि ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, सो देयर फॉर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ओ ए बी और तो ये और ये एंगल, मतलब ओ ए बी और ओ सी डी, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल डी ओ सी क्या होगा, सबसे पहले मैंने बताया था डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 55। चलो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डी ओ सी की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। डी ओ सी क्या होगा, डी ओ बी एंगल, देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है कि एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 180 है, एंड डी ओ बी को मैं लिख सकता हूँ एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180। सी ओ बी को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो सी ओ बी आपको क्या गिवन है, देखिए सी ओ बी या बी ओ सी लिखेंगे तो 125, तो ये हो गया 180 माइनस 125 इक्वल टू 155, तो डी ओ सी एंगल की वैल्यू क्या हो गई, 55। चलिए उसके बाद देखिए, मुझे गिवन है एंगल ओ सी डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70 प्लस 55। अब यहाँ पे क्या हो गया, ट्राइंगल ओ सी डी है, देखिए ओ सी डी एंगल, तो ट्राइंगल मैंने ट्राइंगल लिया है ओ डी सी के लिए, ओ डी सी के लिए पता है मुझे ओ प्लस डी प्लस सी एंगल क्या होगा, 180 होगा। चलिए मेरे पास कौन सा एंगल नहीं है, सी एंगल नहीं है, तो मुझे कौन कौन सा एंगल अवेलेबल है, देखिए डी ओ सी मतलब कि ये एंगल अवेलेबल है 55, ये एंगल अवेलेबल है 70, तो मैंने डी और ओ एंगल को इधर शिफ्ट कर लिया, तो सी एंगल क्या होगा, 180 माइनस 70 प्लस 55। चलो 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 125, तो 180 माइनस 125 विल बिकम अगेन 55, तो डी ओ सी डी की वैल्यू क्या होगी, 55। चलो ओ सी डी मिल गया, तो इससे फ़ायदा क्या होगा वो देखिए, मैंने ओ सी डी एंगल फाइंड क्यों किया है, कि ट्राइंगल सिमिलर है, तो अगर ये 55 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 55। सो देयरफॉर यू कैन से एंगल ओ ए बी इज ऑल्सो 55 डिग्री। और मुझे और क्या फाइंड करना है, एंगल डी सी ओ और ओ डी सी देखिए सेम ही है, डी सी ओ एंगल फाइंड करेंगे या ओ डी सी, क्योंकि ओ और डी की पोजिशन चेंज होगी सिर्फ यहाँ पे, बाकी तो सेम एंगल ही रहेगा। तो तीनों एंगल आपको यहाँ पे मिल गए कि तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। सो ये हो जाएगा आपके लिए आंसर कि पहला एंगल 55, दूसरा भी 55 और तीसरा भी क्या होगा, 55। तो इस तरीके से आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आने वाला है। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए, तो एकदम इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस में यहाँ पे दिए गए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं फॉर दिस ईयर। सो थैंक यू वेरी मच, आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।